जय श्री राम दोस्तों, स्मॉल गेन्स चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली एक्टिविटीज से संबंधित है। इसमें मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज, ऑप्शंस की या फ्यूचर्स की बताऊंगा और उसके वीडियोस बना के मैं अपलोड करते जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप एक डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। मैं कहीं से भी रजिस्टर्ड या इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ, ये मेरे खुद के ऑब्जर्वेशंस है। इस वीडियो में जो भी क्या है, ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस से आपके सीखने के लिए है। इसे आप यूज करके कोई अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके मुनाफे और नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हेलो दोस्त, आज फिर से आपका स्वागत है स्मॉल गेन्स चैनल में। मैंने तो जैसे कल प्रॉमिस किया था, मैं निफ्टी के लिए एक दो स्ट्रेटेजीज अपलोड करूंगा। इन स्ट्रेटेजीज पे फिर कुछ क्यूरी रहती है तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा, और इसमें डेली अपडेट या वीकली अपडेट नहीं रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजी निफ्टी की जो है वीकली अपडेट पे डिपेंड है। जैसे कि हम देखते हैं ऑप्शन चेन में 18 फरवरी एक्सपायरी लगा देते हैं। एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिर्फ आपकी एंट्री प्राइस से होना चाहिए। ये हेजिंग की स्ट्रेटेजी प्योरली, आपके ऑप्शन में एग्जिट और एंट्री वो सिर्फ सही होना चाहिए। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि 180 पे निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, अभी इसमें हमें क्या करना है कि 15,600 से 14,600 की हमने रेंज प्रेडिक्ट की। तो हम क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर अगर निफ्टी एक्सपायर हो गया तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। टोटल 1000 पॉइंट की रेंज होती है, तो इस रेंज के इस दायरे में अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सोचा है कि 14,600 से 15,600 के दायरे में निफ्टी एक्सपायर होगा 18 फरवरी, इसके अंदर निफ्टी रहना चाहिए। तो इस दायरे में निफ्टी रहने के कारण हमें उसमें से प्रॉफिट लेना है बिना कुछ रिस्क उठाए। तो कैसे लेंगे प्रॉफिट, ये सोचने के लिए हम क्या करते हैं कि 15,600 का एक कॉल, एक पुट सेल करते हैं। अभी यहाँ पे मजे वाली बात है कि आपको पुट सेल करना है ना कि कॉल सेल करना है। और अभी हम देखते हैं 15,600 का पुट कहाँ आ रहा, 442 रुपये पे बायर है, 446 पे सेलर। तो हम इसे एक लॉट सेल कर देते हैं, तो हमें इसमें से क्या, अभी ये ग्राफ बन रहा है, हमें एक लिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा ये सेल करने के बाद। हमारा ब्रेक इवन रहेगा 15,600, इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ से आपको ऊपर जाते जाते प्रॉफिट चालू हो जाएगा। 15,158 के नीचे हमारा लॉस शुरू होता है, मतलब तुरंत ही लॉस शुरू होता है। और इसके मिटिगेट करने के लिए हमें 15,700 का पुट बाय कर लेते हैं। मैं वीकली ऑप्शन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें लिक्विडिटी रहती है काफ़ी, और हमें हर हफ्ते महीना भर तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इसकी प्राइस आ रही 536 और 543, तो हम इसे 540 पकड़ लेते हैं। हम 540 का एक ऑप्शन बाय कर लेते हैं। अभी हमने एक सेल किया, एक बाय किया, सॉरी हमें 715,700 का हमें बाय करना है, 540 में हमने इसे बाय कर लिया। अभी हमारा देखिएगा कैसे बन रहा, हमें नीचे जाएगा मार्केट कितना भी तो भी हमें 75 रुपये का प्रॉफिट होगा, बराबर है। और ऊपर जाने के बाद में
15613 के ऊपर जाने के बाद में हमें लॉस शुरू होगा, उसका लॉस मैक्सिमम लॉस है 7350। तो इसी तरह हम पुट, अभी हमारा मार्केट चल रहा 15163 पे, हम 15100 का पुट देखते हैं, 100 या 150 का पुट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 15150 का पुट आ रहा 160 पे, 116 और 15100 का आ रहा 95। हम उसे सेल करना है और 15095 में 15100 का ही पकड़ लेते हैं हम। आप जो ट्रेडिंग करते वक्त जो प्राइस आपको मिलती है यही प्राइस आ रही है, हम इसे सेल कर देते हैं और उसी की तरह हमें उसको बाय करने के लिए हम 15000 का पुट जो कि 64 रुपये चल रहा है और ये एकदम नियर एटीएम रहने की वजह से इसमें लिक्विडिटी काफ़ी होती है, वो ही 64 रुपये चल रहा है प्राइस उसका, हम इसको राउंड फिगर 65 कर देते हैं। हमें इसको बात करना है, ये आ गया हमारा अभी ग्राफ 48175 रुपये मार्जिन आ रही है। हमारी निफ्टी की प्रॉफिट रेंज जो है 15164 से लेके 15632 तक के आई है, ये काफ़ी बड़ा 600 पॉइंट का दायरा हुआ है और हमारा मैक्सिमम लॉस हो रहा है 5055 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा 2445। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 51% है। जैसा हमने अभी इस तरफ बनाया वैसा ही हमें इसमें ऐड करना है कि इसी तरह हमने अपना ऐड करना है 14600 की जो हमने रेंज सोची थी 14600 का कॉल, इसकी प्राइस हम देखते हैं यहाँ पे 14600 का कॉल हम बाय कर रहे हैं 575-580 पे सेलर हैं तो हम 580 पकड़ लेते हैं उसकी प्राइस यहाँ पे सेलर। ये लाइव मार्केट में करना पड़ता है तब जाके आपको अच्छी प्राइस मिलती है, क्लोजिंग के वक्त जो पोजीशंस रहती है। हमने कॉल सेल किया, अभी देखिए कि नीचे की तरफ हमें प्रॉफिट दिख रहा अच्छा और उसी के साथ में हम इसे ये करने के लिए काउंटर करने के लिए 14500 का कॉल जो कि लगभग उतना ही आ रहा है, कॉल 675-674 रुपये, ये 674 रुपये में हमें अगर प्राइस डाली तो मिल सकता था। ₹674 का हम बाय करेंगे तो ये हमारा हो गया 12000 पे मैक्सिमम लॉस दिख रहा है, 2899 का प्रॉफिट दिख रहा है। अभी हमारी रेंज वहीं की वहीं है 15062 से, मार्जिन हमारा बढ़ गया है। ये जो नई पोजीशन हमने बनाई उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा, इसका इम्पैक्ट आने के लिए हमें उसको काउंटर देना करना पड़ेगा, हमें 15100 का कॉल और 15200 के कॉल में हमें 15100 का कॉल आ रहा है 158 रुपये 160 रुपये पे सेलर है, ये
करनी है 100, इसको हमें बेचना है 159 पे, बायर है। हमें इसे बेचना है 159.50 पे बायर है, हम उसे 159.50 पे बेचना है। जो कि 103 रुपए पे सेलर चल रहा है। इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा 7558 रुपये और मैक्सिमम लॉस हो रहा 7800 रुपये। अब आप सोचेंगे कि लॉस, मैक्सिमम लॉस ज़्यादा है, आपका मैक्सिमम लॉस चालू कब हो रहा? देखिए, आपको मैक्सिमम लॉस यहाँ तक के कितना रहेगा, 14600 तक के 368 रुपये एक्सपायरी के लिए, और यहाँ भी देखेंगे 368, मतलब 15600 से 14600 तक के आपको सिर्फ 368 रुपये का लॉस। प्रॉफिट आपका, आप 368 रुपये की लिस्ट लेके 7000 रुपये कमाते। अभी ये स्ट्रेटेजी बनाते वक्त मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको एक थोड़ा सा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या वह है स्ट्रेटेजी है, इसमें कुछ खास प्रॉफिट होते नहीं दिख रहा और रिस्क भी काफ़ी है, मैक्सिमम लॉस आपका 7000 का है। लेकिन अभी इसमें मैंने जैसे आपको ही पहले ही बोला था कि अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आपके कुछ एक्सपीरियंस है, इसमें जो दो लेग बनाए हैं हमने, चार स्ट्राइक प्राइस का एक लेग और चार स्ट्राइक प्राइस का दूसरा, कॉल में और सेल में, आपको क्या करना है कि निफ्टी में 5 मिनट का चार्ट ऑब्जर्व करना है। जैसे ही निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखता है तो आपने कॉल में पहले बाय की पोजीशन बनाना है। निफ्टी अगर लगता है आपकी 5 मिनट के चार्ट पे ऊपर जा रहा है, आपकी ट्रेडिंग रेंज ये है, एक्सपायरी की रेंज 5600 पॉइंट ऊपर, जैसे आपको लगता है कि ये निफ्टी ऊपर जाने वाला है, जा रहा है, अब उतना तो आप ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपको कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, 20-30 पॉइंट के निफ्टी के मूवमेंट आपको इसमें कैच करना है। जैसे ही आप सोचेंगे, देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, आप ये दो कॉल बाय कर लेंगे 15200 का और 6174 का, ये इस प्राइस में है। फिर आपने जैसे 20-25 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, या 30 पॉइंट गया, ये जो 580 का जो कॉल है, ये इन द मनी कॉल है, इसका डेल्टा आप देखेंगे तो 97, मतलब लगभग जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतने पॉइंट से ये कॉल बढ़ेगा, या अगर थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ज़्यादा ही है, तब जाके आपको ये 14500 का कॉल जो है, ये 14600 का कॉल आपको तब जाके सेल करना है। मतलब मैं इसमें अगर थोड़ा अल्टर करता 20 पॉइंट के मूवमेंट के बाद में डेल्टा 7 होने की वजह से 600 रुपये में हमने बेच दिया, और वैसे 20 पॉइंट की मूवमेंट आ गई, हमने ये 15100 का भी बेचना है, उसका डेल्टा आ रहा 58 रुपये, मतलब 20 पॉइंट मूवमेंट होने के बाद में ये 15100 का जो हमें बेचना है तो 10 पॉइंट बढ़ेगा, तो ये उस हिसाब से ये भी हम अगर 169 पे बेचते हैं और इसको मॉडिफाई करते हैं, देखिए आपका मैक्सिमम लॉस हो गया कम, और ये जो आपकी रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको 14575 से 15625 के अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। आपकी मार्जिन लग रही है 93,000 आपकी मार्जिन लग रही है, 93,000 की मार्जिन पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा 9000।
मतलब 10,000 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अगर इस कोन के अंदर अगर एक्सपायर होता है तो ये आपको कम से कम 1,800 रुपये प्रॉफिट देगा ये रेंज के अंदर। रेंज के बाहर जाने के बाद में आपको 5,600, और वही वैसे ही एडजस्टमेंट हमने एंट्री करते वक्त इसमें लेना है। जैसे नीचे की तरफ जाता है निफ्टी, आना मूवमेंट शुरू हो गई, तो उस 15-20 पॉइंट को कैच करने के लिए हम पहले ये बाय कर लेंगे। जैसे 540 का पुट हमने बाय किया और अभी ये सेल करना है 20 पॉइंट के निफ्टी, ये भी इन द मनी है। 600 का 442 चल रहा है, इसका हम डेल्टा देख लेते। जैसे डेल्टा देख लेते हम दोनों, इसका डेल्टा आ रहा है 700 के पुट का 92, मतलब ये हमें इसको बेचना है। ये 20 पॉइंट के मूवमेंट के बाद में ये 18 या 17 पॉइंट ही बढ़ेगा। अगर ये 17 पॉइंट भी बढ़ता है तो ये 459 हो जाता है। हमने इसको चेंज किया, 459 हो गया। और हमारा जो दूसरा जो पुट है जो सेल करने का 95 का, उसका डेल्टा 41, मतलब ये पूरे 20 पॉइंट की मूवमेंट पे ये पूरा सिर्फ 8 पॉइंट मूव होगा। तो ये 95 का हमने बेचा है, इसमें 8 ऐड कर देते हैं तो हमें ये 103 रुपये प्राइस मिलती है। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जब प्राइस नीचे मूव बंद करना चालू हो जाती है तब हमें पुट के ट्रेड लेना है, बाय कॉल लेना है, सेल कॉल। और हमारी बाइंग प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस से कम रहना चाहिए। अभी देखिए ये बन गया आपका, और आपकी प्राइस रेंज भी बढ़ गई, और मैक्सिमम लॉस अभी आपका 3,000 रुपये हो रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट 11,000 रुपये हो रहा है। और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 18 फरवरी तक के वैसे ही पड़े रहना देना है। 14,551 के नीचे जाता है या 15,650 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है, एक 11-12% का मुनाफा आ सकता है। वैसे ही आपको इस पोजीशन को बनाना है और उसको ऑब्जर्व करना है कुछ दिन तक के। आप एक एक्सेल शीट बनाए, उस पर एंट्री कीजिए प्राइस के। आप सोमवार को भी इसको बना सकते हैं, मंगलवार को भी। और आप एक्सेल शीट पे जब रियल टाइम में प्राइस की एंट्री करेंगे और आप ऑस्ट्रा में आप उसके चार्ट प्लॉट करेंगे और देखेंगे, और आपको कम से कम 6-7 हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद में इसमें आपको एक्सपर्टाइज होना। आप निफ्टी की मूवमेंट आपको गेस करना है और उसी हिसाब से अपने सेल प्राइस देना है। इसमें सिर्फ ये है कि अगर हम पूरी सेल प्राइस अगर हमारी बाय प्राइस के ऊपर नीचे आती है, जैसे हमने इसमें देखा है, जैसे हमने 15,600 और 15,700 का पुट सेल किया है, 459 प्लस 103 ये हो गए 562। अब हम जो 15,700 का प्रोटेक्शन और 15,000 का पुट बाय करेंगे, वो दोनों की कीमतें 562 के नीचे होना चाहिए। अगर ये हम किसी भी हालत में 562 के नीचे लाते हैं, अब ये 562 में से हम ये हमने जो खरीदा है 540 को माइनस कर दिया, वही 22 रुपये बचते हैं। हम जो दूसरा खरीद रहे हैं वो 65 रुपये का खरीद रहे हैं, वो 43। ये जो हमारा 43 रुपये है लॉस, ये लॉस नहीं है, ये रेंज हमें इससे ये 43 रुपये हमें कब तक के प्रॉफिट करेंगे, हमारी रेंज क्या रहेंगे। अगर निफ्टी इसके बीच में एक्सपायर होता है तो भी हमें प्रॉफिट कितना होगा, 43 हमें 57 रुपये का प्रॉफिट होगा पर लॉट, और वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 3,500 रुपये। अभी क्या करेंगे हमारी इसमें, अगर सिर्फ आप एक ही साइड में अगर डिसाइड करके ट्रेड ले रहे हैं, अगर सिर्फ हमें ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, अगर मार्केट का आपका प्रेडिक्शन है कि निफ्टी ऊपर की तरफ एक्सपायर होगा, तब आप पुट में एंट्री करेंगे, और जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है तब आप कॉल में एंट्री करेंगे। आप पूरा ध्यान में रखिए, मतलब एक्सपायर का आपका गेस कहाँ पर है। अगर आपको अगर उसमें कन्फ्यूज है कि मुझे पता नहीं एक्सपायरी कहाँ जाना है कहाँ आना है, तो उस समय जब निफ्टी में अपवर्ड मूवमेंट चालू हो जाती है तब हम कॉल में एंट्री करेंगे। बेस में हम कॉल सेल करेंगे 15-20-30 पॉइंट की निफ्टी के अपवर्ड मूवमेंट। आज डेली निफ्टी 100-150 पॉइंट की मूवमेंट देता है,
ये जो आपका डेबिट आ रहा है नेट डेबिट, अगर इस नेट डेबिट को आप किसी भी तरह से क्रेडिट में कवर कर सकते हो तो आपको इस स्ट्रेटेजी में बिल्कुल ही लॉस नहीं होगा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो अभी सिर्फ आपने पुट में एंट्री लिया तो आपकी रेंज में बता देता हूँ, ये 15,000 का पुट जो आपने बाय किया -43, ये 15,000 100 का जो पुट आपने सेल किया है उसमें से आप 43 पॉइंट डाल देते हैं, निकाल देते हैं तो आपकी वो रेंज बन जाएंगी। और इधर 15,600 का पुट आपने जो सेल किया है उसमें से 43 पॉइंट अगर ऐड कर देते हैं तो 15,643 से 15,057 आपकी रेंज बन जाएगी एक साइड में। वैसे ही आपको ये भी मार्क करना है कि इसमें आप 43 रुपीज़ दे रहे हैं और अभी इसमें देखना है कि हम इसमें कितना दे रहे हैं एडजस्टमेंट के। हमें हमने बेचा है 600 और 169 का, मतलब ये 770 769.5 हमने बेचा है, उसमें से हम हमारी एंट्री प्राइस निकाल देते 674 674 निकाल दिए हमारी एक बाय प्राइस, और दूसरी प्राइस है हमारी 103 रुपये 103। हमें 7.5 रुपये माइनस में ये ट्रेड मिला और वो 43 रुपये, तो हमारा 7.5 माइनस 43.3 ये हो रहा 50.8 इंटू 75 3810। ये हमारा मैक्सिमम लॉस रहेगा, मार्केट कर भी गया कहीं भी एक्सपायर हो गया तो ये हमारा मैक्सिमम लॉस रहेगा इस एक्सपायरी पे। अगर वो आपकी जो 50 माइनस 50.8 जो नेट डेबिट आ रहा है इस स्ट्रेटेजी में, वो नेट डेबिट को अगर हम कम कर देते हैं जितना हो सके उतना, अगर हम एंट्री या इसमें हम मल्टीपल एंट्री करके हमारा नेट डेबिट कम कर सकते हैं, जैसे एक हमने बनाया, और मैं एडवाइस करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट का नेट डेबिट आप इसमें यूज करो, आपको बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है एक्सपायरी के क्लियर करने के लिए और आपको सिर्फ उसको हल करना है, डेली उसमें एडजस्टमेंट करना नहीं है। अगर आपको नेट डेबिट 10 पॉइंट या 5 पॉइंट या 10 पॉइंट का क्रेडिट मिल रहा है तो तुरंत 10 पॉइंट के क्रेडिट को आप सुलभ कीजिए, आपका एवरेज कम हो जाए। तो यही मेरा ये था, इसे आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, मैं इसे हर हफ्ते इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा खासा मुझे अपने कैपिटल के हिसाब से 17,000-1,200 पॉइंट के अंदर मूवमेंट मिल जाती है। और आप इस दायरे को जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा सकते, बढ़ाना चाहते हो उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक 500-600 पॉइंट आगे जाने के बाद में निफ्टी में इन द मनी ऑप्शन में या कोई भी ऑप्शन में लिक्विडिटी कम हो जाती है, आप बाय तो कर लेंगे लेकिन आपको सेलिंग के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है। आपको अगर ऐसे अपडेट पाना है, हमेशा प्रॉफिट कमाना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बाजू का बेल आइकन दबा दीजिए कि जिससे कि आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे। मैं अलग 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 स्ट्रेटेजीज बना के मैं आपको देते जाऊंगा, इसमें से जो आपकी ट्रेडिंग टाइम को सूट होती है पसंद होती है उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और कम रिस्क में आप ज़्यादा पैसे मुनाफा कमाने के बारे में सोच सकते हैं। तब तक के लिए आगे के वीडियो तक के लिए जय हिंद जय श्री।